अच्छा सर, खा लिए यहाँ पे खाना, कैसा लगा? बढ़िया लगा। कब से आ रहे हैं खाने के लिए? जब ड्यूटी में आते हैं इधर तो ले खा लेते हैं। तो बढ़िया होता है यहाँ का खाना, बढ़िया है। अच्छा, पुलिस दरोगा भी यहाँ पे खाने के लिए आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर वही आते हैं। पुलिस लाइन है तो वही लोग ज्यादा आते हैं। बस नाम ही काफी है उनका, सिर्फ खस्सी। हम 40 रुपए केजी से मांस बेच रहे हैं। हम रिटायर हो गए, अब लड़का सब कर रहा है। 40 रुपए केजी से बेच रहे हैं। उसी टाइम से हम खस्सी बेच रहे हैं। हमारा जब नाम हुआ तो ये लोग बोला करके आप सैड हो जाइए, हम ही बनाते हैं, हम ही संभालेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपको लेकर आए बिहार के ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे ये पुलिस लाइन में एक होटल है, अपना होटल। लोगों का कहना है कि ऐसा मटन पूरे सुपौल में और कहीं खाने को नहीं मिलता है। खास करके ये पुलिस लाइन के अंदर है, और पुलिस लाइन के जो भी होता है स्टाफ अधिकारी सभी यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। जैसे कि अभी देखिए, पुलिस दरोगा भी यहाँ पे आके खा रहे हैं। तो चलिए आज आपको दिखाएंगे पूरा प्रोसेस, किस तरीके से बनाया जा रहा है, मटन में क्या सब डाला जा रहा है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वैसे आपको एड्रेस बता देते हैं, यहाँ का एड्रेस किस तरीके से होगा। अगर आप सुपौल आ रहे हैं, सुपौल में आपको स्टेशन से आ रहे हैं, तो वहाँ से आ जाना है पुलिस लाइन। सामने ये समाहरणालय, इसके जस्ट सामने इधर ये गेट है। गेट के अंदर जैसे ही इन कीजिएगा तो ये अपना होटल मिल जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से मटन यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, प्याज कटना शुरू हो गया है। तो भैया लगभग कितना प्याज अभी काटेंगे आप? अभी 15 किलो प्याज कटेगी सर। 15 केजी? हाँ, लगभग 10 केजी मटन आ रही है। अच्छा, कम से कम 15 केजी प्याज जाएगा उसमें। 10 केजी मटन में 15 केजी प्याज? बिल्कुल सर, एकदम तरक्ता भरकता तरक्ता भरकता। यस सर। चलिए यहाँ पे देखिए, प्याज रखा हुआ है फ्रेश फ्रेश, अभी कटेगा पूरे के पूरे 15 केजी प्याज अभी यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मटन बनना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया मटन बनना। अच्छा, इसी कढ़ाई में बनेगा? इसी कढ़ाई में बनेगा। तो चलिए ये देखिए, कढ़ाई सेट हो चुका है। तो चलिए ये गैस जल चुका है। तो चलिए पूरे पूरे 2 लीटर तेल चला गया ये कढ़ाई में। इसे हम लोग भगोना बोलते हैं इसको। जी जी जी, हाँ, भगोना भी बोला जाता है, टोपिया भी बोला जाता है। चला गया इसी 2 लीटर तेल, और जाएगा? नहीं नहीं, बस 2 लीटर पड़ेगा, क्योंकि आज मटन कम है इसलिए। तो चलिए ये आ गया आपका फोरन। क्या सब है इसमें? ये खड़ा गरम मसाला हो गया, ये जीरा हो गया, ये सूखा मिर्च हो गया, तरपत्ता हो गया, जावित्री का कटा हुआ है। जी जी, ये जाएगा फोरन में। तो चलिए ये चला गया फोरन इसमें। अब जाएगा इसमें ये लहसुन का थोड़ा सा कुटा हुआ जाएगा। तो चलिए ये चला गया इसमें लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट। वैसे इसमें लहसुन जाने के बाद इसका खुशबू काफ़ी बढ़िया आने लगता है। जी जी जी, इसमें अब प्याज गिर रहा है। अच्छा, चलिए ये चला गया प्याज। तो भैया कितना प्याज जा रहा है अभी फिलहाल इसमें? क्या बोले, कितना प्याज इसमें? अभी 10 केजी प्याज जा रहा है। 10 केजी? अच्छा, और जाने वाला है? बस इतना ही? नहीं, अब बस इतना ही जाएगा अभी फिलहाल। और कुछ इसमें जाएगा? नहीं, अभी कुछ नहीं जाएगा, 2 मिनट के बाद जिसमें नमक जाएगा। अच्छा भैया, ये क्या डालिएगा? ये खड़ा लहसुन डालते हैं। अच्छा, खड़ा लहसुन यहाँ खाने के लिए लोग खोजते हैं? जी 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 जी। अच्छा, ये देखिए खड़ा लहसुन लगभग 1/2 केजी होगा। जी, ये जा रहा है इसमें। तो चलिए ये चला गया इसमें खड़ा लहसुन। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अभी मटन बनना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं खाने का, और भैया बोल रहे हैं कि इस टाइम में लोग घेरे हुए रहते हैं मटन खाने के लिए। जी जी जी, सबसे पहले ये आते हैं कस्टमर खाने के लिए। अच्छा, मटन बनने का इंतजार करते हैं और ये आते हैं पहले खाने के लिए। अच्छा, कैसा होता है? बढ़िया रहता है, टेस्ट भी बढ़िया है। तो भैया अब जा रहा है इसमें नमक जा रहा है? नमक। अच्छा, स्वाद के अनुसार अभी चला जाएगा या फिर बाद में डालिए? पूरा जाएगा, पूरा जाएगा, पूरा जाएगा। नमक भी क्वालिटी वाला यूज करते हैं आप? ये हमारे चाचा जी हैं मुन्ना मीट हाउस के। अच्छा, सबसे फेमस दुकान है पूरे सुपौल जिला में मटन का। मटन का? अच्छा, ये मटन आ गया हुआ। तो मटन ये खुद से लेके आते हैं? जी जी, खुद से लेके आते हैं। विश्वास है कि ओरिजिनल खस्सी ही देंगे? विश्वास है 110%। इसके 100 पैसा कभी कुछ नहीं होता है। बकरी या पाठी नहीं होता है? बकरी पाठी नहीं होता, ओनली फुर खस्सी बस। इसका नाम ही काफी है। अच्छा, सुपौल में? सुपौल जिला में। अगर किसी को मटन भी लेना है तो इन्हीं के यहाँ से लेना है? इन्हीं के यहाँ से लेना है, सिर्फ खस्सी। लगभग कितना दिन से आप ये कर रहे हैं?
हम 40 रुपए केजी से मांस बेच रहे हैं। हम रिटायर हो गए, अब लड़का सब कर रहा है। 40 रुपए केजी से बेच रहे हैं। अभी हो गया अभी 700 रुपया ओरिजिनल खस्सी का। ओरिजिनल खस्सी उसी टाइम से हम खस्सी बेच रहे हैं। हमारा जब नाम हुआ तो ये लोग बोला करके आप सैड हो जाइए, हम ही बनाते हैं, हम ही संभालेंगे, करो। अच्छा भैया, मटन साफ करके डालते हैं आप? जी, मटन धो के हम लोग डालते हैं। देखिए यहाँ पे पानी से साफ किया जा रहा है, ये चीज़ बढ़िया है कि आप साफ करके डालते हैं पानी। जी सर, अब डायरेक्ट इसमें मटन जाएगा। अच्छा, मटन जाएगा जी। ये मटन साफ होके आ गया है, अब जाएगा इसमें। और प्याज भी लाल हो चुका है। अच्छा, अब जा रहा है ये मटन। तो चलिए ये मटन चला गया है जी। तो अब पकने में कितना टाइम लगेगा इसको? 40 से 45 मिनट, 50 मिनट के आसपास। अच्छा, ये जा रहा है अब लहसुन और मिर्च का बुका हुआ। अच्छा, ये कूट करके ही डालते हैं? ये कूट के ही डालते हैं। अच्छा, ये जा रहा है हरी मिर्च जा रही है। अच्छा, हरी मिर्च ऊपर से डालते हैं? जी। जिस दिन दुकान स्टार्ट किए थे उस दिन का पहला कस्टमर ये है। अभी तो 40 किलो 50 किलो मटन खत्म होता है, जिस दिन इसका 1.5 किलो मटन खत्म होता है उसी दिन से हम खा रहे हैं। इसे मटन जो है पानी छोड़ने लगा है क्या? जी, मटन पानी छोड़ने लगा है। थोड़ा सा 5-10 मिनट के बाद इसमें मसाला डालना स्टार्ट करेंगे। मसाला बिल्कुल अभी नहीं डाले हैं इसमें? अभी बिल्कुल नहीं पड़ा है। तो भैया ये क्या डाल रहे हैं? ये कश्मीरी मिर्च जा रहा है। अच्छा, 100 ग्राम का, 10 kg में 100 ग्राम पड़ेगा। चलिए ये चला गया इसमें कश्मीरी मिर्च जी। अब जो है कलर आना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये कलर आना शुरू हो जाएगा। अब जा रहा है ये, अब मिर्च पाउडर जा रहा है ये। अच्छा, ये मिर्च पाउडर, ये चला गया मिर्च पाउडर। चला गया मिर्च पाउडर। अब जाएगा हल्दी पाउडर इसमें। जी, ये चला गया हल्दी पाउडर। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तो सारा चीज़ अंदाज से ही डालते हैं? जी। एक्सपीरियंस बना हुआ है ये बना? जी सर, 3 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल? अच्छा, 3 साल हुआ आपका ये शॉप का? जी सर, 3 साल हुआ है मेरे शॉप को। तो शुरू में कितने केजी से स्टार्ट किए थे आप? शुरू में 1.5 केजी से स्टार्ट किए थे। अच्छा, और अभी कितना बना रहे हैं एक दिन में पूरा? अभी एक दिन में 35-40 किलो। 35-40 किलो? तो अभी तो फिलहाल 10 kg बना रहे हैं? 10-10 kg का बनता है। अच्छा, एक लॉट में 10 kg ही बने? एक लॉट में 10 kg। 3-4 बार बन जाता है ये? सुबह 9 बजे से लेके रात में 11 बजे तक होटल खुली रहती है और 11 बजे तक बनती रहती है। लोग खाते हैं? अच्छा, यहाँ पे किस टाइप का लोग ज़्यादा खाते हैं? हल्का स्पाइसी खाते हैं ज़्यादा, फ्राई टाइप में स्पाइसी। स्पाइसी, और कौन कौन लोग खाने के लिए आते हैं? पुलिस लाइन है, ऑफिस है, फिर कृषि विभाग हो गया आपका, सोडा फैक्ट्री हो गया, सारा कुछ यहीं पे है। जी, इसलिए इस तरीके का यहाँ पे माहौल होता है। तो देखिए, अब मसाला जाने के बाद कलर कितना बेहतरीन आ गया इसमें। तो इसको अच्छे से भूनिएगा अभी जी। इसको 20 से 25 मिनट भूनना है। सबसे अधिक आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से लोग। अच्छा, इंजीनियर है? जी, जो पढ़ाई करते वो? हाँ। तो भैया ये कौन सा मसाला लाए? ये खड़ा गरम मसाला कूटा हुआ है इसमें, और गरम मसाला है और मीट मसाला है। ये चला गया सभी इनका मसाला लास्ट में। तो मसाला और कुछ बाकी है कि अभी हो गया? नहीं, मसाला सारा पड़ गया है इसमें। अब इसमें गरम पानी पड़ेगा। अच्छा, गरम पानी डालते हैं? जी। तो गरम पानी डालने से क्या फ़ायदा? गरम पानी डालने से मीट सिकुड़ता नहीं है। सिकुड़ता नहीं है? ठंडा पानी डालने से मटन टाइट हो जाता है। ये घर की तरह मटन बनता है इसमें, और कुछ नहीं पड़ता, जैसे किचन किंग वगैरह वगैरह ये सब कुछ नहीं पड़ता है। बस सिंपल धनिया मिर्च हल्दी गरम मसाला से ही मटन बनता है। अब इसमें तेल चर्बी डाल रहे हैं। ये आ गया चर्बी। जी, हम लोग ऊपर से डालते हैं फ्राई होने के बाद। ये गलता नहीं होगा लोगों के प्लेट में? ये मिल जाएगा। ऐसे लोग ये खाना पसंद करते, बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे तेल चर्बी पाइप। अच्छा भैया, ये प्लेट लगना शुरू हो गया है? जी, लगना शुरू हो गया है। हाँ, क्योंकि कस्टमर को फ्राई मटन ही अभी चाहिए, क्योंकि जो पहले देख लेते हैं उसको फ्राई ही चाहिए। जो पहले आ जाते हैं उसको फ्राई ही चाहिए? हाँ, क्योंकि अभी पानी डालने में इसमें 5-7 मिनट विलम्ब है। बनने में लगभग 10-15 मिनट? 10 मिनट लगेगा, लेकिन उससे पहले फ्राई मटन खाना पसंद करते हैं। देखिए, यहाँ फ्राई मटन जो है प्लेट लगना शुरू हो गया है।
मतलब ऐसा डिमांड होता है कि बनते बनते लोग आने लगते हैं। हाँ, बनते बनते आधा ज्यादा खत्म होता है, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, पानी पड़ता नहीं उससे पहले खत्म हो जाता है। मटन देखने के बाद यहाँ अगर कोई आते हैं तो उसको मतलब खाने का इच्छा करने लगेगा, खाने का इच्छा करने लगेगा। ऐसा कलर इसमें आ गया, देखिए एक बार, ये आ गया गर्म पानी। तो चला गया इसमें लगभग 5 लीटर गर्म पानी। अच्छा, ये मटन बन गया है जी, मटन रेडी जा रहा है जी, पैक भी जा रहा है। इधर चढ़ा हुआ है, उधर पैक कर रहे हैं क्या? आज तो कुछ कम है, अंदा इससे पहले वो ज़्यादा होता था। इससे ज़्यादा होता है जी जी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मटन जो है ये कढ़ाई में पक रहा है, टभक रहा है, और प्लेट भी लगना शुरू हो गया, और यहाँ पे पैक भी होना शुरू हो गया है, लोग खाने के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। मेरे फेवरेट चाचा हैं, जो पसंद होता है वो खाते हैं। अच्छा, मनपसंद चीज़ खाते हैं ये? हाँ। तो चलिए देखिए, बनने के बाद मटन एक बार कितना बेहतरीन लग रहा है, कलर आ गया ऊपर में रोगन, और बनने के बाद लोग खा खा के निकल रहे हैं। इधर देखिए, ये सभी लोग खा के भी निकल रहे हैं क्या भैया? जी भैया। तो बनने से पहले जो है यहाँ पे डिमांड होने लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मटन खाए कैसा लगा? बहुत अच्छा। कब से आ रहे खाने के लिए? हम तो बराबर आते हैं, मटन नहीं मिला जिसको लोग तो। अच्छा, पुलिस दरोगा भी यहाँ पे खाने के लिए आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर वही आते हैं। जड़ दुकान बंद रहे, उन्हीं का एरिया ये। सर, खा लिए यहाँ पे खाना, कैसा लगा? बढ़िया लगा। कब से आ रहे हैं खाने के लिए? जब ड्यूटी में आते हैं इधर तो ले खा लेते हैं, इधर जब ड्यूटी में भूख लगता है तो खा लेते हैं, ये होता है। तो बढ़िया होता है यहाँ का खाना, बढ़िया है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, ये मटन का प्लेट लग चुका है, और मटन देखिए कितना बेहतरीन है यहाँ पे, खास करके ये देखिए नली का पीस अभी लिए हैं, और मनपसंद पीस यहाँ पे मिल जाता है, आप जो पीस चाहे वो पीस मिल जाएगा, और साथ में पापड़, सलाद, चावल, चावल अनलिमिटेड है, और यहाँ पे रेट होता है मटन का 160 रुपये में दो पीस मटन होगा, चावल अनलिमिटेड जितना हम उतना खा सकते हैं ग्रेवी के साथ में, उसके बाद पापड़, ये सलाद। तो चलिए हम टेस्ट करेंगे अब। तो ये देखिए ग्रेवी कितना बेहतरीन है, इसको लेंगे अपने चावल के ऊपर, ओहो हो काफ़ी बेहतरीन, इसको मिलाते हैं, ये देखिए कितना अच्छा से ये मिल जा रहा है, काफ़ी बेहतरीन है, मतलब देखते ही खाने का मन करने लगेगा। यहाँ पे इस तरीके का ये मटन होता है, तो इसको उठाए, काफ़ी बेहतरीन, थोड़ा सा झालदार है, और मटन का स्वाद जो है इसमें काफ़ी फुल करके आएगा, आप फील करेंगे अंदर से कि हाँ हम मटन खा रहे हैं, इस तरीके का यहाँ का ग्रेवी में स्वाद है। चलिए एक बार और मिलाएंगे और इसको उठाएंगे, ये देखिए। तो चलिए अब क्या करें, हम यहाँ से पीस लेंगे। तो ये आ गया अपना नली वाला पीस, नली देखिए कितना बड़ा है, और पूरा के पूरा नली छोड़ दिया, ये देखिए देख रहे हैं पूरा नली छोड़ दिया, और गल गया है पूरा अच्छे से, आराम से इसे हम छू रहे हैं तो ये निकल जा रहा, देख रहे हैं, देखिए ये निकल जा रहा है, इतना अच्छे से गल गया कि आराम से इसको तोड़ रहे हैं, टूट जा रहा है, आराम से आएगा ये पीस इधर से, इसको फिर अच्छे से मिलाएंगे, और ये लिया एकदम घुला हुआ है, खाएंगे थोड़ा सा, चबाएंगे अंदर चावल के तरीके से, इसमें अब कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा ये घुल जाता है, जैसे इसको आप लीजिएगा आराम से टूटेगा। ये चीज़ है, ये देखिए है ना बेहतरीन, देखिए ये आया और ये गया। वैसे यहाँ पे देखिए मटन के साथ हर प्लेट में ये लहसुन मिल जाता है खाने के लिए, हम दो दो पीस लहसुन लिए हैं, तो इसको हम टेस्ट करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि मटन हो या चिकन हो उसमें दिया हुआ लहसुन मेरा फेवरेट है, तो इसको एक बार खाएंगे। काफ़ी अच्छा से घुला हुआ है। तो सुपौल में अगर कहीं का मटन फेमस है तो सबसे ज़्यादा इस जगह का फेमस है, पुलिस लाइन में पुलिस दरोगा सभी कोई यहाँ पे खाने के लिए आते हैं, और कहीं भी पूछेगा कि यहाँ का मटन कहाँ पे अच्छा होता है तो यहीं के बारे में बताया जाएगा, पुरानी पुलिस लाइन अपना होटल यहाँ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब आराम आराम से खाते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।